हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक लग्जूरियस बिल्डिंग जो कि टू साइड ओपन है। बताता चलूँ, इस बिल्डिंग में आपको तीन फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। एक पहला फ्लैट जो कि 90 गज में बनाया गया 3 BHK फ्लैट है, दूसरा फ्लैट 75 गज में बनाया गया 3 BHK फ्लैट है और तीसरा फ्लैट 50 गज में बनाया गया 2 BHK फ्लैट आपको मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग में आपको लिफ्ट एंड कार पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। ये फ्लैट्स उत्तम नगर के शुक्र बाजार रोड पर बनाए गए हैं और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ ये फ्लैट्स आपको दिए गए हैं। चलिए चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं अपने फ्लैट्स को। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे 3 BHK लग्जूरियस फ्लैट के अंदर जो कि 90 गज में बनाया गया है। ये हमारा एंट्री गेट है और जैसे ही इस गेट से हम एंटर करते हैं आपको दिखाई देगा एक बड़े साइज का लिविंग एरिया। अब क्योंकि ये 90 गज का फ्लैट है तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको ये लिविंग एरिया मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम 3D वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। L टाइप के वॉलपेपर्स लगाए गए हैं और इसके साथ ही वॉल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें इस तरह की डेकोरेटिव लाइट्स भी आपको लगाकर दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसके साथ ही क्योंकि एक लग्जूरियस फ्लैट है तो आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग में भी काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो फैंस की प्लेसमेंट है, सेंटर में आपको झूमर मिलता है। ये कलर चेंजेबल झूमर है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें मिल जाती है। अगर हम सिटिंग की बात करें तो L टाइप का बड़े साइज का यहाँ पर सोफा सेट आप लगा सकते हैं। आराम से 11-13 सीटर सोफा सेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पर डाइनिंग के लिए एरिया बच जाता है। काफी बड़ा स्पेस यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया का मिल जाता है। सिटिंग के ठीक ऑपोजिट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बड़े साइज का LED TV पैनल दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं डिजाइन काफी प्रीमियम है, वुडन वर्क काफी प्रीमियम मिलता है। साथ ही आपको डेकोरेटिव लाइट्स तो मिलती ही हैं, इसके साथ ही डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए भी स्पेसेस मिल जाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको TV से रिलेटेड एसेसरीज रखने के लिए स्पेसेस मिलते हैं और यहाँ पर आपको स्प्लिट AC की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। सो आप यहाँ पर अपना स्प्लिट AC भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर आप देखें तो लिविंग एरिया को काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, डाइनिंग के लिए सामने आपको स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्यूटीफुल लिविंग एरिया। आइए चलते हैं हमारे इस लिविंग एरिया से अटैच कॉमन वॉशरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे अटैच कॉमन वॉशरूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ इस वॉशरूम को बनाया गया है। स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस तो मिलता ही है। साथ ही आपको यहाँ पर वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट दी गई है, इसके साथ हैंड वॉश के लिए सिंक दिया गया है। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वाटर कन्वर्टर मिलता है, नीचे आपको छोटा शावर हेड मिलता है जो कि बेडिंग के काम आता है और एक बड़ा शावर हेड यहाँ पर आपको मिल जाता है। टाइल वर्क ओवरऑल देखें तो काफ़ी प्रीमियम है और साथ ही फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, लिविंग एरिया और उससे अटैच कॉमन वॉशरूम को देखने के बाद आइए चलते हैं हमारे किचन की तरफ। किचन काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर किचन आपको मिल जाता है। सबसे खास चीज़ अगर आप देखें तो L टाइप का एक किचन बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर आराम से 6-7 लोग भी खड़े होकर अपना किचन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इतना वाइड यहाँ पर किचन एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंट्री स्पेस तो मिलता ही है, साथ ही नीचे के स्टोरेज कंपार्टमेंट में आप अपने कटलरी वेयर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऊपर वाले स्टोरेज कंपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपने राशन से रिलेटेड छोटे बड़े बॉक्सेस रख सकते हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मिरर लुक भी आपको मिल जाता है चिमनी के लेफ्ट एंड राइट साइड। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं हम आपको चिमनी भी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी डेकोरेटिव लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं और इसके साथ ही अगर आप फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग का काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर हैंगिंग लाइट्स के साथ साथ सामने बात करें तो यहाँ पर बड़े साइज का विंडो भी मिलता है
इस किचन के एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए। और साथ ही आप देखें तो यहाँ पर बड़े साइज का किचन सिंक मिलता है जिसमें आप अपने बर्तनों को इजीली वॉश कर सकते हैं। आरओ का पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुल इस किचन को बनाया गया है। साइज भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और डिज़ाइन में आपको कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। मैंने यहाँ पर पेंट्री गेट्स को ओपन कर दिया है, आप एक बार देख सकते हैं कि पेंट्री स्पेस भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर स्टोरेज मटेरियल्स बनाए गए हैं, सेम यही स्टेनलेस स्टील के मटेरियल्स यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्यूटिफुल किचन। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। सबसे पहले मैं आपको बैल्कनी से कनेक्टेड बेडरूम ही दिखाने वाला हूं जिसमें आप देख सकते हैं स्पेस काफी अच्छा आपको मिल जाता है। साथ ही आप देखें तो वॉलपेपर भी काफी प्रीमियम आपको दिया गया है। फॉल सीलिंग का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है जिसमें आपको इस तरह के फैंस भी प्लेस करके दिए गए हैं। और इसके साथ ही अगर आप इस रूम की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलते हैं, बड़े साइज का विंडो मिलता है जिसमें आप अपना विंडो एसी कनेक्ट कर सकते हैं, नेचुरल सनलाइट और एयर थ्रो के लिए आप अपनी विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये डोर हमें बैल्कनी की तरफ ले जाता है। बैल्कनी में हम बाद में जाएंगे बट उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूं कि यहाँ पर आपको मिलता है बड़े साइज का एलईडी टीवी पैनल। इस एलईडी टीवी पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी लाइट्स तो मिलती ही हैं, साथ ही आपको टीवी से रिलेटेड एसेसरीज रखने के लिए भी नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हमारे बैल्कनी एरिया में। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे बैल्कनी एरिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं बैल्कनी को काफ़ी वाइड बनाया गया है, नेचुरल सनलाइट भी आपको मिल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनरी भी आपको मिलती है। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई गई है और पूरी बैल्कनी में आपको इस तरह का टाइल वर्क देखने को मिलता है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्लग पॉइंट्स एंड टैप के कनेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन को कनेक्ट करके कपड़ों को धोकर इजिली यहाँ पर सुखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बैल्कनी का दूसरी तरफ से इस तरह का लुक आता है, आप ओवरऑल देख ही सकते हैं काफ़ी वाइड एंड काफ़ी ब्यूटीफुल इस बैल्कनी को बनाया गया है। आइए चलते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि बैल्कनी से कनेक्टेड था। आइए चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो फ्रेंड्स, लिविंग एरिया के एलईडी टीवी पैनल के साथ ही एक बेडरूम का गेट दिया गया है जो कि हमारा सेकंड बेडरूम है और ये बेडरूम भी फ्रंट साइड पड़ता है जिसका विंडो बैल्कनी में ओपन होता है। तो इसके बारे में बात करते हुए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। डबल बेड लगाएंगे उसके बाद भी तीनों साइड अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाएगा। सामने अगर आप फ्रंट वॉल की बात करें तो इस तरह का आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा और ओवरहेड यहाँ पर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। बेड लगाने के बाद दोनों तरफ आपको नाइट लैंप्स लगाने के लिए भी स्पेसेस दिए गए हैं और मोबाइल्स एंड चार्जर्स वगैरह रखने के लिए भी आपको छोटे छोटे स्पेसेस मिल जाते हैं। सो स्टोरेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इसके साथ ही आपको बताता चलूँ फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है, इस तरह से आपको कॉब लाइट्स एंड फैन भी यहाँ पर लगाकर दिया गया है। अब क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। वॉशरूम तो हम बाद में देखेंगे बट उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पर आपको मिलता है बड़े साइज का विंडो जो कि बैल्कनी में कनेक्ट होता है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आप अपना विंडो एसी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बड़े साइज का एलईडी टीवी पैनल भी मिलता है जिसमें आप अपना टीवी भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाइट लैंप्स भी आपको मिल जाते हैं और इसके साथ ही आपको बताता चलूँ पूरे फ्लैट के अंदर आपको इस तरह के प्रीमियम क्वालिटी के वुडन डोर्स मिलते हैं जिनके सेंट्रल लॉक मैकेनिज्म भी काफ़ी प्रीमियम आपको दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हमारे अटैच वॉशरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे सेकंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम जो कि हमारा सेकंड वॉशरूम है इस फ्लैट का। आप देख सकते हैं टाइल वर्क काफ़ी प्रीमियम है, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पर शावर हेड दिया गया है और उसके साथ ही आपको यहाँ पर हैंड वॉश के लिए सिंक और प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर आपको टॉयलेट सीट मिल जाता है। ओवरऑल स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है और टाइल वर्क तो देख ही सकते हैं काफ़ी प्रीमियम आपको मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। आइए चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। सबसे पहले आप देखेंगे स्पेस यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इस फ्लैट के तीनों ही बेडरूम्स में काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है। वॉलपेपर्स की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी फ्रेश एंड न्यू लुक के साथ आपको मिलता है। नाइट लैंप्स यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं और इस रूम के वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े साइज का विंडो दिया गया है जो शाफ्ट से
कनेक्टेड है। इसके साथ ही आपको प्लग पॉइंट्स एंड स्विचेस भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपना एलईडी टीवी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं बड़े साइज का ड्रेसिंग एरिया मिलता है जिसे आप एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। और इसके साथ ही इस रूम में आपको स्प्लिट एसी की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको कनेक्शन मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस थर्ड बेडरूम का भी काफी अच्छा लुक एंड काफी अच्छा साइज आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 BHK लग्जूरियस फ्लैट जो कि 90 गज में बनाया गया है। ये फ्लैट्स उत्तम नगर के शुक्र बाजार रोड पर बनाए गए हैं जो कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, फ्लैट में आपको सभी तरह की एसेसरीज ब्रांडेड मिलती है। फ्लैट के अंदर यूज़ की गई एसेसरीज ब्रांडेड तो है ही, साथ ही यहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है जिससे आपको इस फ्लैट में रहने में कोई भी परेशानी ना हो। सो फ्रेंड्स, फ्लैट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।